वहीं उरला अटल आवास के रहवासियों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर दुर्ग महापौर व निगम आयुक्त के नाम सौंपा ज्ञापन। दुर्ग के अटल आवास उरला वार्ड 57 में रहवासियों ने इन दिनों आवास के मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वार्ड के चारों तरफ फैली गंदगी के साथ ही स्नानागार, शौचालय, पानी की निकासी की लचर व्यवस्था से परेशान वार्डवासी सोमवार को आम आदमी पार्टी के बैनर तले दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी बातें रखी। मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उरला स्थित अटल आवास के निवासी कई वर्षों से आवास में मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। घरों में शौचालय नहीं है और महिलाओं को काफी दिक्कतें होती रहती है। घरों के पास पानी की निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने से आए दिन घरों के पास पानी जमा होने की बातें कही है, जिससे जल जनित बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं दुर्गंध से मोहल्ले वासी काफी परेशान हैं, साथ ही गंदगी के कारण आवारा पशुओं का जमावड़ा भी यहां पर लगा रहता है। इस संबंध में न्यूज टीम को वार्डवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हैं, क्योंकि नाली वहां पर जो पानी वानी हम लोग जैसे नहाने वाले धोने रहते हैं तो पानी भरा रहता है। हम लोग चाहते हैं कि महापौर और आयुक्त से कि नाली का निकासी का पानी होना चाहिए और वहाँ पर पानी ना भरा रहे, और जो गंदगी है वो थोड़ा सा सफाई के लिए सुपरवाइजर लोगों को भी मैं आभार करता हूँ कि वहाँ पर सफाई अच्छे से हो। आज उरला में जो अटल आवास बनी हुई है वहाँ पे कुछ परिवार रहते हैं और करीब पिछले काफ़ी समय से रह रहे हैं, पर वहाँ न तो हमको बाथरूम की व्यवस्था है, स्नानागार की नहीं है, और जिससे हम महिलाओं को, हमारे घर की महिलाओं को इतनी परेशानी होती है कि रात में जाने आने में बहुत तकलीफ होती है। सुलभ बना है लेकिन उसके पास ऐसा भरा हुआ है कि वो सफाई होता नहीं प्रॉपर, और इससे आए दिन कुछ ना कुछ लोगों को स्वास्थ्य में खराबी आते रहती है, आने जाने में परेशानी होती है। सुअर जैसे जानवर भी वहाँ पे आते रहते हैं, जिससे कि क्या कहते हैं वो एरिया थोड़ा सा दूषित जैसा लगता है। हम नगर निगम से यह मांग करते हैं कि हमको ये सब सुविधाएँ जल्द से रहे, और नाली जो बनी हुई है, नाली का पानी ठीक से निकासी नहीं होने से वापस आ जाती, उलट के आ जाती, घरों में पानी भरा रहता है घर के सामने में। स्थानीय पार्षद का कहना है कि अब इस एरिया में तो हम करते हैं और क्या कहते हैं, आप लोगों ने वोट नहीं दिए हैं तो हम आपके तरफ नहीं जानेंगे, तुम जानो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।